हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम टिपिकल किक स्टाइल नंबर 11 करेंगे। इसमें हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करेंगे। पहला सेंटेंस मैंने लिख दिया है, शी क्राइड विद सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। तो हम क्या करेंगे, क्राइड का तो क्राइड रखेंगे, सोरो की वजह से अलास लिख देंगे, बाकी शी हैड, शी अपने लिए है, तो आई हैव लॉस्ट माई पर्स, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो मोहन सेड, जॉय के लिए हुर्रे लिख देंगे, ही हैड स्टूड फर्स्ट, तो ही अपने लिए इसने यूज किया होगा, तो आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, है ना, बहुत सिंपल। नंबर थर्ड सेंटेंस, द कैप्टन क्राइड आउट सोरोफुली दैट दे हैड लॉस्ट द मैच। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें सोरोफुली दिया हुआ है, तो मैंने दोनों तरीके आपको बताने की कोशिश की है। द कैप्टन क्राइड आउट सोरोफुली अगर आप नहीं लिखेंगे, अलास लिख देंगे, तो भी उसका वही मतलब है, और अगर आप सोरोफुली लिखा रखेंगे, अलास लिखे रखेंगे, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हम ये ना लगे कि बाद में विद सोरो क्यों नहीं कहा, तो विद सोरो या सोरोफुली एक ही बात है। तो सोरोफुली लिखेंगे और अलास लिखेंगे तो भी सोरोफुली आएगा डायरेक्ट में, और नहीं लिखेंगे, केवल अलास लिखेंगे तो भी सोरोफुली या विद सोरो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द बॉय क्राउड विद जॉय, द बॉय क्राइड हुर्रे, ही हैड वॉन अ प्राइज, आई हैव वॉन अ प्राइज, दैट की जगह पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना आसान। नंबर सिक्स देखेंगे, राम एक्सक्लेम दैट ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट। इसमें एक्सक्लेम्ड लिखा है और आगे कुछ नहीं लिखा है, तो हम इसे ऐसे उतारेंगे, राम एक्सक्लेम्ड ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, तो हाउ फास्ट आई एम रनिंग, मैं कितना तेज दौड़ रहा हूँ, ये राम कह रहा है, तो इसका हम ऊपर इनडायरेक्ट देख चुके हैं। नंबर सेवन फिर इनडायरेक्ट है, ही एक्सक्लेम्ड विद एंगर, गुस्से से कहा, तो ही सेड दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल, कि बहुत बड़ा बेवकूफ़, तो वाट अ फूल आई एम, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कह रहा है। दोस्तों, आपको ये मेथड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।